अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। तो आज मैंने सोचा था कि मैं 8 ही बजे डिपार्टमेंट जाऊंगी, लेकिन 8 बजते मैंने सोचा थोड़ा और सो लेती हूँ, उस चक्कर में 9:30 हो गया। फिर आज मंडे था तो खाना मुझे ब्रेकफास्ट मंडे का सबसे बेस्ट लगता है, उससे अच्छे से पेट भी भर जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं आज अच्छे से नाश्ता करके जाऊँगी ताकि मैं लंबे टाइम तक रह सकूं, क्योंकि दोपहर का खाना खाया नहीं जाता इसलिए, और काम भी बहुत था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आज नाश्ता बनाया और उसको खाया, पूरा कंप्लीट किया। तो यहाँ पे टोस्टर इस वक्त कोई वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लाइट की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो इसको, हम जो है तवे पे बना लेते हैं। और अब हॉस्टल में इतनी भीड़ भी नहीं है, सब लोग जा ही चुके हैं आधे लोग, तो इस वजह से ईजली चूल्हा खाली था और मिल गया था। तो हमारे पास टोटल 4 ब्रेड होती है और उसमें मैंने 2 अंडे के लिए बनाए, मतलब रखे, और 2 चाय के लिए जो मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो इसलिए यहाँ एक छोटी सी क्यूब मिलती है बटर की, उसको हम ब्रेड पे लगाएंगे, फिर उसी से हम अपना एग फ्राई करेंगे। और ये देखो पलटने में मेरा अंडा भी ख़राब हो गया, लेकिन कोई नहीं। तो मैं ऑलरेडी लेट थी इसलिए मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन हम चलेंगे डिपार्टमेंट। वैसे जब बना लो तो इसको देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि बनाया है, अब खाया जाएगा इसको मज़े से। और यहाँ मेरा अम्ब्रेला टाइम होते ही ख़त्म होने लगा है। खैर अब एमटेक में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए ख़राब हो चाहे कुछ भी हो मैं दूसरा नहीं लेने वाली, इसी से काम चलाऊँगी। और ये मैंने तोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो बम बना रही हो क्या? फोटो कैटेगरी। ये देखो ये मेरा डार्क रूम है। ओह माय गॉड, साबुन छोटा था, मैग्नेट भी पड़ा गया। हाँ तभी तो घूम रहा है। साबुन डाले? साबुन नहीं, ये क्या नंबर था? बेटा सारी साबुन निकली, सर्फ एक्सेल मेरे से रिसर्च हुआ आइडिया। तो आज मुझे करना था अपने सैंपल का फोटो कैटलिसिस हर हाल में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी डाई सॉल्यूशन 10 ppm का, और मैं इसलिए इतना प्रिपेयर होके आई थी क्योंकि मैं सैटरडे को करने आई थी तो तब धूप ही गायब हो गई थी, इस वजह से आज तो धूप बहुत तगड़ी है, तो इसलिए सोचा किसी भी हाल में करना ही करना है। सब कुछ बहुत ही स्मूथ जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं 2 सैंपल का कर लूँगी, इस तरह से स्मूथ चल रहा था। लेकिन ये तो होता है ना कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, यही चीज़ हमेशा आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो डाई सॉल्यूशन बनाया था फिर उसको 100 ml लेकर मैग्नेटिक स्टरर पे रख दिया था, प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था, सब कुछ सही चल रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने अपने सैंपल का फटाफट मेजरमेंट लिया और ये देखो ये ज़रा सा सैंपल क्या कमाल दिखाता है। ये बॉक्स मुझे मिला था डिपार्टमेंट के किसी कोने में, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, इसी का हम डार्क रूम बनाएंगे क्योंकि हमें 30 मिनट तक अपने सैंपल को डार्क रूम में रख कर मेजर करना होता है, मतलब उसके सैंपल की टेस्टिंग करनी होती है। यहाँ मैंने अपना सैंपल डार्क रूम जो जुगाड़ से बनाया हुआ है उसमें रख दिया और फिर 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, और आफ्टर 30 मिनट फिर मुझे इसको लेना था थोड़ा सा चेक करने के लिए। जब भी मैं कोई चीज़ सोचती हूँ हो जाएगी, जल्दी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब उस काम में कछुए का पैर लग जाता है, वो काम और स्लो हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ मुझे इतना सब्र नहीं हो रहा था कि मैं 30 मिनट वेट करूँ, इसलिए मैंने फटाफट बाहर जितना भी ये सब था लगा दिया ताकि यहाँ मेरा सैंपल तैयार हो और मैं यहाँ फटाफट कर लूँ। तो मैंने ये सब वायरिंग वायरिंग करी जल्दी जल्दी ताकि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, फटाफट हो जाए। इधर आओ, कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताओ? क्या रिलीज हो रहा है? तुम ये कह रही थी ना पानी निकल रहा है। हाँ रुको मैं दिखाती हूँ। नहीं अच्छी है, मैं ले लूँ ये। क्या ले लो, ले लो, कोई कदर नहीं कर रहा।
चलो मैं जा रही हूँ, बाय। कलर देखिए इसका, डालते ही हो जा रहा, बचा ही क्या इसमें, नहीं लग रहा। यहाँ मेरा सैंपल डार्क रूम से निकला और यहाँ लाइट चली गई। और जब तक लाइट नहीं आती तो हमने यही सब किया, जूस पिया, बहुत कुछ किया, यही सब चल रहा था, क्या करते। लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा खासा एक दो घंटे तक लाइट नहीं आई वहाँ पे। फिर फाइनली लाइट आई और मैंने जल्दी से सैंपल लगाया, लेकिन उसके दो मिनट बाद फिर लाइट चली गई। फिर मैंने उसको हटा दिया और संभाल के रख दिया ताकि उस पर कोई लाइट ना पड़े और वो ख़राब ना हो। फिर उसके बाद आज मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम टर्निंग पॉइंट की बिरयानी, जो कि अच्छी थी, नाइस, ऑसम। ये सब हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि लाइट नहीं थी, कुछ कर नहीं सकते थे। तो जब वहाँ से लौटे तो लाइट आ चुकी थी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले हम खाएंगे एसी की ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सुबह से आए हुए और हमारा काम शुरू हुआ है 1:30 बजे, क्योंकि लाइट इतने बजे ही आई। तो ये 0 मिनट का सैंपल है, ये 10 मिनट का, और ये डाई का ओरिजिनल कलर है जिसको हमने डिग्रेड किया है। अब हम करेंगे यूवी विजिबल, जिससे हमें पता चलेगा कि कितनी डाई डिग्रेड हुई है हमारे सैंपल डालने से। यहाँ पे हमें हर 10-10 मिनट पे सैंपल लेना होता है, तो वो ही चल रहा है बाय द वे। पहले ये ऐसा था, 30 मिनट बाद ये ऐसा हो गया। हमारा एक्सपेरिमेंट फाइनली डन हो गया और ये रही पूरी डाई, और इसको करने के बाद, सैंपल डालने के बाद, ये पूरी तरीके से वाइट हो गई, जो कि जस्ट बगल में है। तो अब हम चलेंगे हॉस्टल और 4 बज चुके हैं, तो हम फटाफट अपना सामान पैक करते हैं, रैप अप, फिर मिलते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।